नकल सूदर बेहा बंध कर व्यर्थ आरक्षी राज्य अब्याहत नकल सूदर रमरमिया बेहा नकल सूदर बेहार कबल गुवाहाटीत अपहृत हल एलाहाबादर व्यवसायी सोन क्रय गुवाहाटी एलाहाबादर दुजन व्यवसायी पंचाश शतांश रेहाईत चूरा सोन दियार प्रलोभन दिल व्यवसायी नकल सूदर व्यवसायर यह प्रलोभन लाभ कर गुवाहाटीत उपस्थित हल एलाहाबादर व्यवसायी दुजन व्यवसायी क्रमे भास्कर और आशीष पंडित और गुवाहाटीत उपस्थित हर पास नगद पंचाश हजार टकालक अपहरण कर लाए चक्रटे एन कला रंगर स्कर्पिओ वाहन अपहरण कर आशीष पंडित नाम लोकजनक अपहरण कर लार पास मुक्तिपण हिसाब विचार एक लाख टका इलाहाबाद तो इन लोग से कैसा जान पहचान हुआ? जान पहचान ये कॉन्टेक्ट ये फोन से हुआ था। अच्छा, जो मेरे साथ का लड़का है ना जिसको पकड़ के ले गए उससे हुआ था संपर्क। क्या कॉन्टेक्ट हुआ था? कॉन्टेक्ट ये सोने का शिखर में हुआ था। सोने का? सोने का। कितना सोना देगा बोला था? बोले एक किलो ना सो। कितना पैसा मांगा था? ये पैसे पाँच लाख रुपये मांगे। पाँच लाख रुपये एक किलो 900 ग्राम का। फिर आप लोग गुवाहाटी आए? गुवाहाटी आए। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से आए हम कामाख्या मंदिर दर्शन करने के, वहाँ से वो लौटे तो हमें फोन किए कह रहे ये कौन सा वो बताए ये अपना ये कोटाबरी 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 वहाँ बुलाए। वहाँ बुला के हमें ब्लैकमेल करने लगे। क्या बोला वहाँ पर? वहाँ पर आके हम कहने लगे लाओ पैसे उसे आप, तो हमने कहा पहले सामान दो हमें, तो जो भी सामान दिया थोड़ा सारा वो भी कोई ओरिजिनल नहीं लोकल ही लोकल ही है वो, तो दिए अभी सामान लाके, अभी सामान लाके दिए थोड़ा सा वही हम लेके बैग में रख लिए, ऊपर से हमें पकड़ लिए। फिर आके हम थोड़ा इधर साइड में जाने लगे तो कितना पैसा दिया सुबह उनको? सुबह दिए थे 50,000 रुपये बोला था दिए थे मेरे साथ का जो है वहाँ से भेजा था ट्रांसफर। बाकी अब उसको जब पकड़ के ले गए अब इसमें 1,00,000 रुपये मांग रहे छोड़ने। এই ঘটনা সংবাদ মাধ্যমত সম্প্রচার হওয়ার পাছত অপহরণকারী কটাইবাড়ীত পেলাই গল অপহৃত সোণ ব্যবসায়ী স্কর্পিওলে অপহরণ কাণ্ড সংঘটিত করা দুর্বৃত্তক চিনাক্ত আরক্ষীর কটাইবাড়ীর ইসলাম আলী ওরফে সাহিরক বিচারি অভিযান অব্যাহত আরক্ষীর নকল সোণৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত শাহিল হাজত শাহিল এণ্ড গেং অফ বিচারি চলিছে আরক্ষীর অভিযান। লক্ষণীয় যে এস আই জুনমণি রাভার মৃত্যুর পাছত নকল সোণ বেহাত কিদরে শীর্ষ আরক্ষী জড়িত সেই কথা পোহরলে আহিছিল। নকল সোণ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে পড়েছিল অসম আরক্ষী। পিছে গুয়াহাটীত সংঘটিত অপহরণ কাণ্ডই পুনের উদঙাইছে নকল সোণর বেহার হইতে জড়িত চক্রটোর কাণ্ড। সকলো যেন ডালু বালু খোলা কটির তালত পরিণত হয়েছে। ভিডিও জার্নেলিস্ট বিজয়লক্ষ্মীর সহযোগত ববিতা গগৈ রিপোর্ট প্রাগ নিউজ।